देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। एसपीएन 9 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि राजस्थान में इस वक्त जो घमासान युद्ध मचा हुआ है, देखिए यहाँ पर बात करें अगर हम सचिन पायलट की, तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट भी अपनी जगह पर सही साबित हो रहे हैं। हालांकि परसों दिल्ली में एक मीटिंग थी, यहाँ पर पार्टी अलकमान ने मीटिंग करी थी सचिन पायलट और अशोक गहलोत के साथ। उसी मीटिंग के बाद यहाँ पर 92 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद से ही देखने को मिल रहा है कि राजस्थान की सियासत में जो उठा पटक हो रही है। देखिए इन सारी चीजों का जिम्मेदार वैसे तो अशोक गहलोत को माना जा रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं सचिन पायलट का जिक्र करूँ तो सचिन पायलट भी अब कांग्रेस से नाराज से होते नजर आ रहे हैं। देखिए अगर यहाँ पर सचिन पायलट को सीएम पद नहीं दिया गया तो शायद सचिन पायलट भी यहाँ सिंधिया के रास्ते पर चल सकते हैं। क्या सचिन पायलट यहाँ पर बीजेपी ज्वाइन करेंगे? क्या सचिन पायलट यहाँ बीजेपी में शामिल होंगे? क्या यहाँ बीजेपी यहाँ पर सचिन पायलट को खुला ऑफर देगी? क्योंकि देखिए बीजेपी यहाँ पर सचिन पायलट पर नजर गड़ाए बैठी है कि सचिन पायलट कैसे वहां से इस्तीफा दे और बीजेपी में शामिल हो। लेकिन यहाँ पर देखना ये बेहद जरूरी है कि आखिरकार सचिन पायलट अपने हित के लिए क्या फैसला लेते हैं। क्या अगर उनको कांग्रेस सीएम पद नहीं देती है तो क्या वो कांग्रेस छोड़ देंगे, या फिर उनको अध्यक्ष पद पर बिठाया जाता है तो वो ना खुश रहेंगे? जिस तरीके से आपने सुना ही होगा कि कांग्रेस पार्टी में दिग्गज और पुराने नेता हमेशा यहाँ पर नाखुश और नाराज रहते हैं, क्या सचिन पायलट को मनाने के लिए पार्टी अलकमान उनको सीएम पद देगी या नहीं, ये देखना बेहद ही जरूरी होने वाला है। और आखिरकार राजस्थान के चुनाव में सीएम की कमान किसके हाथ में आएगी, ये भी बेहद जरूरी है। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा एसपीएन 9 न्यूज के साथ। और आपको हमारी ये खबर कैसी लगी नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।